बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, इस वक्त हम न्यू जर्सी में हैं और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि जिस घर पर हैं, जहां पर रेनोवेशन हो रही है, और अपनी पास्टर फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी जी से हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इस घर के ओनर जितिन शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। जितिन, वेलकम टू टीवी एशिया, एंड पल्लवी जी, वंस अगेन वेलकम टू टीवी एशिया। जितिन, यू हैव बीन इन द कंट्री फॉर द पास्ट ओवर 20 ईयर्स। I want to ask you, after the accident that happened in your house, this time around you're renovating and you're keeping small little things in mind that everything is done as per Vastu. Talk about your interest that that you've developed in Vastu. So what had happened is, see, my family back in India has very positive experience with Vastu. Mm-hmm. इस कंट्री में क्या होता है, बिकॉज द हाउसेज आर मेड कुकी कटर, देर इज लेस कस्टमाइजेशन और नॉलेज इतनी नहीं है जितनी इंडिया में इजीली अवेलेबल थी पहले। तो थोड़ा बहुत जानते हुए भी यू आर हेजिटेंट टू मेक चेंजेस बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कस्टमाइजेशन जस्ट इट्स नॉट दैट ईजी टू डू। सो हम जब इस घर में मूव हुए तो थोड़ा बहुत ख्याल था हमको कि सर्टन थिंग्स आर नॉट राइट एंड इट वॉज ऑलवेज द इंटेंशन टू फिक्स इट। हमें सिर्फ चांस नहीं मिला फिक्स करने का। जी, तो क्या कुछ ऐसी आपने जैसा कि कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पता था लेकिन उसका इतना दुष्परिणाम होगा, या मैं कहूँगा कि ऐसा नुकसान हो सकता था, इसका अंदाज़ा नहीं था आपको। ये बताइए कि क्या क्या वास्तु दोष आपने अनुभव किए थे घर में और अब कितना किन किन चीज़ों की चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आई थिंक द बिगेस्ट वास्तु दोष वॉज कि हमारे सारे बाथरूम्स इस घर में देवर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो किसी ने ठीक तरह से बताए नहीं थे कि वॉट विल हैपन इफ यू डोंट फिक्स इट। द पोजिशन ऑफ आर किचन अलॉन्ग विद द लॉन्ड्री रूम एंड द बाथरूम वॉज ऑल्सो नॉट राइटली ऑर्गेनाइज। सो वो तीनों चीज एक साथ में एक दूसरे के बगल में होना वो ठीक नहीं था। और हमने जो बेसमेंट बनाया तो बेसमेंट में वी सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाइड सम ऑफ दोज वास्तु दोषेस बिकॉज वी वांटेड टू कीप द प्लम्बिंग कंसिस्टेंट। तो एक गलती की तो वी सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाइड दैट गलती इन द बेसमेंट। सो दोज वर सम ऑफ द मेजर फ्लॉज वी हैड इन द हाउस। अब जब ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, घर में रेनोवेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है, पहले जैसा घर दिखता था और अब जो मतलब बहुत ही खूबसूरत एक शक्ल निकल के आई है, कैसा महसूस हो रहा है? We are extremely happy, looking forward to move back in the house and you know to feel the energy. I'll tell you, as we walk into the house, even while it is being built, we just feel different walking. Positive walking vibes. Yeah, walking through that door feels very different. दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर एक बात कहती हैं कि एक राह और सही सलाह ज़िंदगी बदल सकती है, और यकीनन जितिन शाह जी के केस में कुछ इस तरह की ही बात हमें लग रही है। जितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड अलाउइंग अस टू शूट एन एपिसोड ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। पल्लवी जी, इस अंक को ख़त्म करने से पहले दर्शकों आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारा जो अगला एपिसोड होगा इसी लोकेशन पर होगा। इस घर के बैकयार्ड में कुछ एक्सटेंशन हो रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वॉल एक्सटेंड हो रही है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्ट की भी अहम भूमिका है। अगले अंक में हम इस घर के आर्किटेक्ट के साथ भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट मिल करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।